हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की फिफ्थ एक्सरसाइज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की आपको एक्सरसाइज दे चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 1.5 को। 1.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं सम बेसिक रिजल्ट आपको लिख दे रहा हूँ। सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स। ओके बेटा, ये रिजल्ट आपको आने चाहिए। देखिए कि आपके पास एक रेशनल नंबर है, पहले समझ लीजिएगा, एक रेशनल नंबर है प्लस एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। दूसरा, आपके पास एक रेशनल है और माइनस एक इरेशनल है। तो एक कैटेगरी में लिख दे रहा हूं, ये होगा इरेशनल और ये भी होगा इरेशनल। आपको क्वेश्चन को देखकर ही डायरेक्ट बता देना है कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। यहां पर आपके पास एक रेशनल नंबर है और अपॉन में आपके पास एक इरेशनल नंबर है, तो भी आपको वैल्यू जो मिलेगी वो इरेशनल रहेगी। क्या रहेगी? इरेशनल रहेगी। यानी कि ये रिजल्ट आपको आने चाहिए। ये तीन रिजल्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड में आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे, न कि वैल्यू। देखिए, आपको पता है इनकी वैल्यू, ये आपको वैल्यू आनी चाहिए, √3, √2, √3, √5 और √7। यानी कि इनकी वैल्यू आपको हर हाल में आनी चाहिए। अगर आपको इनकी वैल्यू आती है तो मोस्ट वेलकम आपका, अगर नहीं आती है तो आप इनकी वैल्यू को याद करिएगा, ठीक है? फिर इन क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। ओके चलिए, ये थे आपके रिजल्ट जो कि आपको याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं। इन रिजल्ट के बेस पर ही हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि क्लासिफाई करना है रेशनल है या इरेशनल है। देखिए, टू रेशनल है, ओके टू रेशनल है, माइनस किया है 5 को, √5 इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। भाई, जब रेशनल को और रेशनल से इरेशनल को माइनस किया, रिजल्ट आपका इरेशनल। क्या रिजल्ट आपका इरेशनल। आप यहां पर एक शर्त ये भी लिख सकते हैं, एक एक बेस ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई देखिए ये क्या है, √5 है और √5 ये 2 है। तो यहां पर देखिए कि 2 माइनस इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो 2.034 कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। जब इसको माइनस करूंगा आपको तो आपको मिलेगा पॉइंट पॉइंट 0.345, यानी कुछ इस तरीके से आपको एक नंबर मिलेगा और जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। ओके ये नंबर आपका इरेशनल रहने वाला है, तो इस तरीके से इसे कह सकते हैं ये इरेशनल रहेगा। और आपको √5 की वैल्यू एग्जैक्ट लगा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, इसमें आपको क्लासिफाई करना है सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन है, 3 + 22 रूट में -22 रूट में, इस तरीके से है। देखें, जब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करूंगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 3 + 23 रूट में -√23। माइनस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये 3 रहेगा और 3 जो होता है वो रेशनल होता है। रेशनल होता है बिकॉज इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू इसमें 0 रहेगा। ओके क्यू नॉट इज इक्वल टू इसमें 0 रहेगा, तो ये रेशनल होगा, है ना? अभी आप देखेंगे 2/√7, इस वाली वैल्यू को देख लेंगे, 2/√7 और 7/√7, यानी कि इस वैल्यू को देखेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी, देखिए 2/√7, ठीक है, और यहाँ पर है 7/√7। क्लियर? ये इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तो देखें जब इस तरीके से ये क्वेश्चन है तो इसे लिखेंगे 2 √7/7 √7, 7 √7। कैसे? कि इस वाले पहले वाले का फोर्थ वाले के साथ मल्टीप्लाई और थर्ड वाले का
सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ, तो मैंने कर दिया है रूट सेवन से रूट सेवन कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू अपॉन सेवन, क्या मिलेगी टू अपॉन सेवन वैल्यू मिलेगी, टू अपॉन सेवन वैल्यू मिलेगी और यही आपका आंसर रहेगा। तो देखें अब जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिल गया तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, तो इसका आंसर जो होगा वो भी रेशनल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू है, वन अपॉन रूट टू के केस में ये इरेशनल है और ये रेशनल है। मैं पहले ही रिजल्ट आपको शो करके चला था कि अगर हमें इरेशनल नंबर का किसी में भाग देना पड़ जाए तो वो इरेशनल ही आएगा, यानी कि ये रिजल्ट जो रहेगा वो इरेशनल रहेगा। ओके ये रहेगा इरेशनल। ओके तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं इसके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ देख लीजिए, टू है भाई। टू तो आपको पता ही है, टू क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तो रेशनल होता है, ये तो आपको पता ही है सिंपल। चलिए ये तो भाई बढ़िया से क्वेश्चन दीजिए जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हों, इन क्वेश्चनों को तो बच्चे चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में भाई भाई बढ़िया क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए सिंप्लीफायर इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। ओके चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए इरेशनल के साथ रेशनल और रेशनल के साथ रेशनल, प्लस किया है तो इरेशनल रिजल्ट आएगा, दोनों को इरेशनल आएगा और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ करिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं चलिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस क्या आया यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो रूट 6, यानी कि इनके रिजल्ट्स आप देख लेंगे और रेशनल में कोई भी नंबर रेशनल प्लस करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो इरेशनल होगा, क्या होगा इरेशनल होगा। आप इनकी वैल्यू लगा लीजिएगा और वैल्यू लगाने के बाद देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो मिला है वो है आपका क्या के 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस क्या 3 माइनस रूट 3, ये तो भाई a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आएगा भाई, इसे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, तो मैं यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं। ओके भाई जब ये 9 हो गया ये हो गया 3 तो आपका 6 आया और 6 तो रेशनल होता है, 6 क्या होता है रेशनल नंबर होता है, तो आप इस 6 को रेशनल लिख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्या है 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर है भाई। 5 प्लस 2 के होल स्क्वायर में आप देखेंगे कि इसका होल स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया तो स्क्वायर हो गया। ओके प्लस 2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया, प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 किया तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो ये तो होता है 5 प्लस ये होता है 4 प्लस ये होता है आपका 4 रूट 5। ओके ये हो गया 9 प्लस 4 रूट 5। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये रेशनल वैल्यू ही देगा और इरेशनल को रेशनल के साथ प्लस करूंगा तो भी आपको इरेशनल मिलेगा, क्या मिलेगा इरेशनल मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको पता है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इस वाले क्वेश्चन में दिया है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2 सेम, तो देखें इसमें मैं करूंगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। तो देखिए ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो 5 रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो 2 रहेगा, तो आपको आंसर मिलेगा इसका 3 और 3 एक रेशनल नंबर होता है, क्या होता है बेटा 3 एक रेशनल नंबर होता है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ द सर्कल इज टू इफ द डायमीटर से डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके दिस सीम्स टू द कॉन्ट्राडिक्ट
फैक्ट दैट पाई इज द रेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो देखिए भाई, पाई इज अ इरेशनल उसने पहले ही कहा है. क्या कहा है? पाई इज अ इरेशनल. भाई इरेशनल होता ही है, यस. तो इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो इसमें लिखेंगे नो कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्या लिखेंगे? नो कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन. तो नो कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. और एक और बात मैं इसके लिए बता देता हूं कि 22/7, 22/7 यानी कि p/q इज अ रेशनल, बट वैल्यू जो रहेगी पाई की 3.143 कुछ करके, ये रहेगा आपका इरेशनल. क्या रहेगा बेटा? इरेशनल. ओके, ये ध्यान रखिएगा. बस ये रेशनल पार्ट होता है इसका 22/7, और ये जो होता है वो इरेशनल होता है. बट इस क्वेश्चन में नो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो एग्जैक्ट सही है. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. देखिए, रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर लाइन अंडर रूट क्या है? अंडर रूट 9.3. ओके, 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. देख लेते हैं, नंबर लाइन पर आप इसे रिप्रेजेंट करिए. तो सबसे पहले आप एक पॉइंट खींच लीजिए, और इस पॉइंट को देखिए, आप यहाँ कहेंगे ए और इसे कहेंगे बी. क्या कहेंगे? बी. इसका देखें, इस सेंटर पॉइंट मत बनाइएगा अभी. इसकी जो लेंथ रहेगी ए टू बी, वो रहेगी 9.3. आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे. बी को एक्सटेंड करेंगे, बी को एक्सटेंड करेंगे सी पॉइंट तक. इसकी जो रहेगी वो 1 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी. ओके, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी. इसकी है 9.3 सेंटीमीटर. तो मैंने ए से सी तक की डिस्टेंस से लेकर, मुझे ए से सी तक की डिस्टेंस लेकर मुझे यहाँ पर एक आर्क लगाना है. यानी कि इसके आधे से अधिक दूरी लेकर मैंने एक आर्क ऐसे लगाया और एक आर्क ऐसे लगाया. ठीक है, इसको भी यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से लगाया, और इन दोनों को मेजर करूंगा यानी कि मिड पॉइंट निकालूंगा. तो मिड पॉइंट जो मिलेगा मुझे वो रहेगा आपका ओ. क्या रहेगा? ओ. अब आपको करना यह है कि इस मिड पॉइंट से आपको एक सर्कल बना लेना है, सेमी सर्कल बना लेना है. क्या? ए से सी तक की डिस्टेंस का आपको सेमी सर्कल बना लेना है इस तरीके से. जब आप ए से सी तक की डिस्टेंस का एक सेमी सर्कल बना लेंगे, क्या ए से सी तक की सर्कमफ्रेंस, मतलब ए से सी तक का आप एक सर्कल वो बना लेंगे, तो आपको देखिएगा जो वैल्यू मिलेगा इसकी, आप यहां से इसकी सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस से लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से. क्या? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और कंपास में यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेकर आप एक चाप लगाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप आर्क खींचेंगे, और जो आर्क रहेगा यानी कि जो आर्क आपका यहां आएगा वो रहेगा आपका अंडर रूट 9.3. एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, सबसे फर्स्ट में आपको करना यह है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी रहेगा, जिसकी लेंथ रहेगी 9.3. उसे एक्सटेंड करना है सी पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर. ओके, उसे आप यहां से देखिए, उसका सेंटर पॉइंट आप निकालेंगे, दोनों तरफ आर्क, मतलब आप उसको बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट करने के बाद आप उसका जो है मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट निकालने के बाद उससे ए और सी तक का आप एक सेमी सर्कल खींचेंगे. ए और सी तक का आप सेमी सर्कल खींचेंगे, तो जो मिड पॉइंट होगा वहां से आप सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वहां तक एक जो है उसको लेकर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनेगा, आप क्या करेंगे, ओ पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस से लेकर एक आर्क आप इधर लगाएंगे, और आपका जो मिलेगा वो पॉइंट रहेगा 9.3 रहेगा. ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, चार ही स्टेप इसके अंदर हैं, और जो आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, स्टेप्स की बात करें तो स्टेप भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. इसकी जगह आप कोई भी नंबर, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे ही कर सकें, इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नंबर हो आप उसे भी कर सकते हैं. सिंपली करना ये है कि जितनी वैल्यू वो पूछ रहा है उसको एक नंबर में आप रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर. रिप्रेजेंट करने के बाद 1 सेंटीमीटर उसे एक्सटेंड करेंगे, करने के बाद उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट से उसे सर्कमफ्रेंस, वो सॉरी आप सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाने के बाद उसकी मिड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक उसका एक डिस्टेंस लेकर आप उसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहां से आर्क लगाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइज में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने वन अपॉन रूट सेवन। भाई वन अपॉन रूट सेवन, तो रूट सेवन का मल्टीप्लाई करिए, रूट सेवन का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो जब रूट सेवन आ गया आपके पास तो यहाँ पर मिलेगा रूट सेवन और यहाँ पर भी मिलेगा आपको सेवन। ठीक है, तो ऐसी इस केस में आपका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा इरेशनल। क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। ओके, ये रहेगा इरेशनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, भाई भाई दिख नहीं रहा है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा डाउन में लिख देता हूँ। नो टेंशन, अब टेंशन ना लें। देखें वन अपॉन रूट सेवन है, रूट सेवन है, तो रूट सेवन से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया रूट सेवन, तो यहाँ पर मिलेगा रूट सेवन और यहाँ मिलेगा सेवन, तो ये वैल्यू जो मिली वो इरेशनल होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखा चुका हूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, तो इसके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। ओके, जब आपको ये कंडीशन मिलेगी आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर, तो जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और यहाँ पर रहेगी सेवन माइनस सिक्स, तो ये वन हो जाएगा, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो रहेगा सेवन प्लस रूट सिक्स, तो ये भी इरेशनल रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। ओके, ये भी इरेशनल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिएगा डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में और उसका आंसर आप ले सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, वन अपॉन आपको यहाँ मिलेगा वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू। ओके, ये आपको वैल्यू मिली रूट सेवन माइनस टू, इसके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई किया तो रूट सेवन प्लस टू इसका ऊपर मल्टीप्लाई हुआ रूट सेवन प्लस टू, यहाँ पर हुआ रूट सेवन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो जो वैल्यू मिली रूट सेवन प्लस टू यहाँ मिलेगी सेवन माइनस फोर, तो आपको जो मिला वो रहेगा रूट सेवन प्लस टू अपॉन थ्री, ये वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये वाला पार्ट इरेशनल, ये वाला पार्ट रेशनल, तो रेशनल और रेशनल का जब मैंने कहा था डिवाइड देंगे तो आपको इरेशनल पार्ट ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये थे आपके फोर्थ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं पहले। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर है तो। नहीं है, क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं भाई आपके, क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक ये आपके क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि या कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो रह चुका हो, या मैंने जो बताया उसमें कोई आपको लग रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आया ये पॉइंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर स्लाइड होता दिख रहा होगा, 7500410322, यहाँ से है ना। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।